फ्रेंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स की कैटेगरीज होती हैं। उनमें से एक कैटेगरी होती है लार्ज एंड मिड कैप फंड। जब हम लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा मेजॉरिटी पैसा है वो लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स यानी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं इंडिया के टॉप 100 कंपनीज और उनकी जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं वो कहलाती हैं मिड कैप कंपनीज। आज की वीडियो में हम SBI के लार्ज एंड मिड कैप फंड को डिटेल में समझने वाले हैं, किस टाइप का रिटर्न्स इस फंड में मिल रहे हैं और किस टाइप का रिस्क लिया गया है। तो आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा नाम पुनीत नागपाल है, बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड का हम रिव्यू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 या 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करिए या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करिए, तभी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। ये फंड स्टार्ट हुआ था 25 मई 2005 को, तो अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। इसमें दो फंड मैनेजर्स हैं, सौरभ पंत एंड मोहित जैन जी। फ्रेंड्स, अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो रेगुलर प्लान का है 1.88%। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि कितना खर्चा आपके फंड में से काटा जाएगा आपके फंड को मैनेज करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये भी आपको क्लियर करना चाहूँगा, हर स्कीम में दो ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान। अगर आप डायरेक्टली कंपनी से जाके इन्वेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट प्लान होता है, और किसी एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो रेगुलर प्लान होता है। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो हल्का सा ज़्यादा रहता है डायरेक्ट प्लान के मुकाबले, लेकिन वहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प मिल जाती है, उनकी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो और अगर आपको नॉलेज अच्छी नहीं है म्यूचुअल फंड्स की तो आपको रेगुलर प्लान में फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में, तो आप लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपअप यानी एडिशनल अमाउंट उसमें 1,000 के मिनिमम डाल सकते हैं, और मंथली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP कर रहे हैं तो 500 की SIP कर सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए SBI के लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिटर्न्स देख लेते हैं। अगर किसी ने वन टाइम डिपॉजिट किया है ग्रोथ ऑप्शन में रेगुलर प्लान के और 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो फंड ने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, कितना उसमें वैल्यू बनी है, और कैटेगरी एवरेज से उसको कंपेयर भी करेंगे। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप फंड के जो बाकी म्यूचुअल फंड सभी की एवरेज निकाल के जो रिटर्न होगी उसे कैटेगरी एवरेज बोलते हैं, उससे कंपेयर भी करेंगे ताकि हमें पता लगे कि इसकी फंड की परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अच्छी है या बुरी है। लास्ट 1 ईयर में अगर किसी ने 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो उसका बना है 1,26,000, रिटर्न आया 26.5% का, वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रहा है 21.7% का। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अभी मार्केट रिसेंटली काफ़ी बढ़ी है, तो इसलिए लास्ट 1 ईयर का रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसमें। अगर 3 साल पहले किसी ने 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता तो उसका बना है 2,21,000, रिटर्न आया 30% का, कैटेगरी एवरेज में रिटर्न आया 26% का। 5 ईयर्स पहले किसी ने 1,00,000 इन्वेस्ट किया तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 1,97,000 बना है, 14.6% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 12% का रिटर्न है। दोस्तों, रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 12 से 15% का रख के लेके चलना चाहिए, उससे ज़्यादा आप एज्यूम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 10 साल पहले किसी ने SBI के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो उनका कॉर्पस बना है 5,00,000 का, रिटर्न आया 17% का, वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 16% का। जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से किसी ने अगर शुरू में 1,00,000 रुपये डाल दिया होता, आज उनका फंड वैल्यू बन गया 18,00,000 का, रिटर्न आया 17%, वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 15%। तो देखिए, SBI के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने हर टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। चलिए अब SIP के रिटर्न्स देख लेते हैं। अगर किसी ने वन टाइम इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न्स हमने देख लिए, अब मंथली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स देख लेते हैं। अगर किसी ने 10,000 पर मंथ की SIP करी है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में तो कितना वैल्यू बना है और क्या रिटर्न आया वो हम देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर पहले किसी ने 10,000 की SIP करी तो 1,32,000 बना है, रिटर्न 19%। 2 ईयर्स पहले किसी ने SIP करी तो बना है 2,74,000, 13% का रिटर्न। 3 साल पहले किसी ने अगर 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न आया है 20% और कॉर्पस बना है 4,83,000। 5 साल पहले किसी ने अगर 10,000 पर मंथ इसमें इन्वेस्ट किया है तो अमाउंट बना है 9,64,000, रिटर्न आए 19%, डिपॉजिट हुआ है 5 साल में 6,00,000, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। लास्ट 10 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है SIP के थ्रू 10,000 पर मंथ तो कॉर्पस बना है 27,51,000 का, और रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो 15.8% का रिटर्न है।
अगेन ये जो रिटर्न्स हमने देखे हैं ये एज ऑन 13 जून 2023 हैं। चलिए पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की। लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं टॉप की 100 कंपनीज उनमें 38% का एक्सपोजर है, मिड कैप में 24% का एक्सपोजर है और स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनीज में 11% का एक्सपोजर है SBI के लार्ज एंड मिड कैप फंड में। टोटल इस फंड में 71 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है यानी 71 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है। टॉप के 10 स्टॉक्स की जो एक्सपोजर है वो 30.9% है यानी जो पहली 10 कंपनियां हैं जो जिनमें मैक्सिमम वेटेज है उनका 30% का पोर्टफोलियो टॉप के 10 स्टॉक्स में है। टॉप के 3 सेक्टर्स की बात करें तो 27% का एक्सपोजर टॉप के 3 सेक्टर्स का है। टॉप के 5 स्टॉक्स देख लेते हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ITC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप के 5 स्टॉक्स हैं जिनमें टोटल एक्सपोजर है 18.72% का। चलिए अब हमने रिटर्न्स तो देख ही लिए कि SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब हम देख लेते हैं किस टाइप का रिस्क लिया गया है इस फंड में एज कंपैरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता लगता है कि किसी फंड में कितना ज़्यादा रिस्क लिया गया है, कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है यानी उसके रिटर्न्स कितने ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 14.24 है स्टैंडर्ड डेविएशन SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का, वहीं कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.3। अब दोस्तों, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतना फंड के लिए अच्छा रहता है, तो लो वॉलेटिलिटी है यानी SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में जो वॉलेटिलिटी है यानी जो रिटर्न ऊपर नीचे होते हैं वो कम है एज कंपेरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज। चलिए अब शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं। शार्प रेशियो हमें बताता है कि रिस्क फ्री एसेट जैसे FD हो गए, डेट फंड्स हो गए, रिस्क फ्री जो एसेट्स होते हैं उनके मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है हमारा फंड। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होता है उतना बढ़िया रहता है। 1.56 है शार्प रेशियो फंड का और वहीं कैटेगरी एवरेज का है 1.25। तो इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं हमें, तो एक और अच्छा साइन है ये SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के लिए। चलिए अब अल्फा की बात करते हैं। अल्फा से हमें पता लगता है कि एक फंड उसके बेंचमार्क के मुकाबले कितना आउट परफॉर्म कर रहा है यानी जो बेंचमार्क है जिसको वो रेप्लिकेट कर रहा है उसके मुकाबले कितना ज़्यादा वो फंड रिटर्न दे रहा है। तो अल्फा है 3.25 SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का और कैटेगरी एवरेज का -0.73। अगेन ये एक अच्छा साइन है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के लिए। तो तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, अल्फा हमें बताता है कि ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। बस एंड में मैं अगेन आपको यही बोलना चाहूँगा, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें इक्विटी ओरिएंटेड तो 12-15% के रिटर्न्स ही एक्सपेक्ट करें, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।